Now, in this sum, we have to calculate what closing unit also. So while discussing theory, I have given the formula of what closing units. Remember it or not? Closing unit formula. Opening plus purchase. Purchase is also known as subscribed minus sales. Sales is what? Redemption. Yaad aaya? Bas, wahi formula idhar use karna hai. Because closing unit is not given. So ek bar closing unit nikal gaya, to aapka NAV bhi nikal jayega. Agar closing unit hai, matlab closing NAV aa jayega. Aur jo bhi NAV nikalte ho, wo closing hi hota hai, yaad rakhna. Current ka hi nikalte ho aap. तो करंट वाले को बोलते हैं क्लोजिंग एनएवी. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो जरा, सब लोग सब ध्यान से देखना बेटा क्या दिया है. सी, एक एक करके समझो. देखो, कैलकुलेट क्लोजिंग एनएवी एज्यूमिंग सेल्स एंड परचेज एनएवी इज व्हाट. सेल्स एंड परचेज एनएवी टू बी ₹20. सेल्स एंड परचेज एनएवी to be 20. Sales and purchase का NAV directly बोल रहा है ₹20 है. Closing NAV निकालना है अपने को. What we have to calculate? Closing NAV. ठीक है. Opening NAV आपको दिया है. Opening net asset value is given, that is 12.5. So मेरे प्यारे बच्चों, आपको opening NAV दिया है 12.5. Okay. Now outstanding units is also given, that is 40,500. ठीक है, outstanding units. अब ये आउटस्टैंडिंग यूनिट्स देखो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स याद आ रहा है ना. तो बच्चे गलती यही करते हैं इसमें कि इसको समझ जाते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. बराबर, समझना कॉमन है, कोई भी समझेगा. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ही है ये. बट ये यूनिट्स कौन सा है बेटा? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है. ये ओपनिंग एनएवी से रिलेटेड है ना. तो दिस इज व्हाट ओपनिंग. हाँ, आगे भी करोगे तो मालूम पड़ जाएगा. अभी देखो, ये आपका ओपनिंग यूनिट्स हो गया. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है ओपनिंग से रिलेटेड. एप्रिसिएशन आपको पता है, पोर्टफोलियो में एप्रिसिएशन हुआ तो दैट इज व्हाट योर असेट. असेट हो गया ना भैया, असेट. एप्रिसिएशन हो रहा है तो असेट हो गया, असेट बढ़ेगा. यूनिट सब्सक्राइब, अब ये यूनिट सब्सक्राइब मतलब क्या हो गया? परचेस. यूनिट सब्सक्राइब कितना यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स. अब कॉमन सी बात है, यूनिट सब्सक्राइब भी दिया है एंड यूनिट सोल्ड और रिडीम ऑल्सो गिवेन. वॉट इज गिवेन? यूनिट सोल्ड और रिडीम ऑल्सो गिवेन. तो बच्चा, यहाँ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपका चेंज नहीं होगा. होगा कि नहीं? होना ही है. आपके पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 40,500 है, फिर सब्सक्राइब कर रहे हो 2000. कितना सब्सक्राइब किया? 2000 का सब्सक्राइब कर लिया. ए बेटा, माइक म्यूट कर. तो आपने सब्सक्राइब कितना किया बेटा? सब्सक्राइब कर लिया आपने कितना? 2000 यूनिट्स. ओके, सो 40,500 प्लस 2000 सब्सक्राइब हो गया तो प्लस हो गया. और फिर माइनस क्या करना है आपको? यूनिट सोल्ड और रिडीम. उसमें से यूनिट सोल्ड और रिडीम आपको माइनस करना है. दैट्स इट. यूनिट सोल्ड और रिडीम यू हैव टू डिडक्ट इट. क्लियर? सो 40,500 प्लस 2000 माइनस 1000, तो आपको मिलेगा व्हाट? क्लोजिंग यूनिट्स. व्हाट यू विल गेट बेटा? आपको क्या मिलेगा? क्लोजिंग यूनिट्स मिलेगा. तो कभी भी याद रखना, ऐसे टाइप का सम रहेगा तो ध्यान देना. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ये मत ले लेना, नहीं तो जीरो मार्क्स मिलेगा. जीरो. समझा? हीरो. ठीक है, तो जीरो मार्क्स मत लेना. अरे कॉमन सी बात है यार, जब आप क्वेश्चन देखोगे, रीड करोगे, तो आपको आउटस्टैंडिंग यूनिट्स क्वेश्चन में दिया है, फिर नीचे सब्सक्रिप्शन भी दिया है, सब्सक्राइब्ड यूनिट्स, और फिर उसके बाद यूनिट सोल्ड और रिडीम दिया, तो चेंज होगा ना यार. तो नया जो यूनिट्स होगा, जो क्लोजिंग आएगा, वो कितना आएगा? क्लोजिंग आके, यस, वेरी गुड बेटा मिनिश, 41,500 आ जाएगा. करेक्ट, यस. ये हो गया. फिर डिविडेंड रिसीवेबल, आपको पता है डिविडेंड क्या है? आपका असेट. अच्छा, कभी कभी एग्जाम में देखो ये लोग क्या करते हैं, पता है? सिर्फ डिविडेंड देते हैं. डिविडेंड तो सिर्फ डिविडेंड भी दिया है ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो समझ जाने का वो रिसीवेबल है. डिविडेंड रिसीवेबल मतलब असेट. ठीक है, एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस करके दिया है, आगे कुछ नहीं लिखा है, तो याद रखना वो आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस अक्रूड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो दैट इज वॉट योर लाइबिलिटी. वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका लाइबिलिटी. तो ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व द सम. अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट थियरी नहीं है बेटा, सब नॉर्मल है. वही फंडा है, वही रूल है. सिर्फ आपको क्लोजिंग यूनिट्स मतलब जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, वो आपको नया निकालना है, मतलब क्लोजिंग का.
क्योंकि आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिया है प्लस परचेज भी है, सब्सक्राइब मतलब परचेज है, फिर रिडीम्ड भी है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आपका चेंज होगा बस, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। बराबर है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ गया सबको, देख लिया ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है एग्जाम में वो देख लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। या मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स एंड देन व्हाट क्लोजिंग एनएवी। सो सिंपल फंडा, तो पहले आप क्लोजिंग यूनिट्स निकालो, क्लोजिंग यूनिट्स, उसके बाद क्लोजिंग एनएवी निकालो। चलो तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, क्लोजिंग यूनिट्स। Calculation of closing units. Okay, चलो बेटा आप calculation of closing units, अगर आपको closing units calculate करना है तो normal सी बात है, what first write down the formula properly present करने का, तो closing units का formula क्या हो जाएगा, closing units is equal to क्या हो जाएगा बेटा, सेम आ जाओ, सबसे पहला व्हाट ओपनिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ओपनिंग यूनिट्स प्लस व्हाट, प्लस क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, यूनिट सब्सक्राइब जो परचेस किया है, देखो क्वेश्चन में है आपके पास, यूनिट सब्सक्राइब प्लस units subscribed, right? Opening units plus units subscribed minus what? Minus redeem. तो redeem भी आपके पास है, units sold or redeem, units redeem. Okay, clear है बच्चों? चलो सो आ जाओ, फर्स्ट ओपनिंग यूनिट्स आपके पास कितना है, 40,500, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यूनिट सब्सक्राइब इज आल्सो गिवन, दैट इज 2000, एंड देन 1000 इज व्हाट योर यूनिट्स रिडीम, सो कितना आ गया, 41,500, ओके, सो 41,500 यूनिट्स, वेरी गुड बेटा, so this is what your closing units, ये आपको closing units मिल गया, right? This is what your closing units, that is 41,500. Yes, well done Vidisha, Meenakshi, very good. ठीक है, चलो बेटा, अब closing units तो आ गया आपके पास, अब क्या करना है आपको, closing NAV निकालना, ठीक है, what you have to calculate now, closing NAV. तो चलो closing NAV निकालते हैं अभी, closing NAV के लिए next page करता हूँ मैं. उसके लिए प्रॉपरली आपको फॉर्मूला दिखाना है, जो जो यूज होगा याद रखना. तो कैसे दिखाओगे, देखो क्लोजिंग एनएवी, सो क्लोजिंग एनएवी, तो बेटा आप एनएवी लिख सकते हो, बराबर है, खाली एनएवी भी लिखोगे तो चलेगा, बट आपने क्लोजिंग यूनिट्स निकालना, तो वर्ड एक ऐड कर दो, क्लोजिंग एनएवी, तो वो एनएवी क्लोजिंग ही होता है, जो हम एनएवी निकालते हैं दैट इज वर्ड फॉर क्लोजिंग ऑल्सो, क्लोजिंग ऑनली, तो उसमें क्लोजिंग नहीं भी लिखा फिर भी चलेगा, बट आपने क्लोजिंग यूनिट्स निकाला है वर्ड ऐड कर दो क्लोजिंग एनएवी, कोई इशू नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन में बोला भी है ना टॉप पे क्लोजिंग एनएवी, तो दिखा दो क्लोजिंग एनएवी, सो क्लोजिंग एनएवी दैट इज क्लोजिंग नेट असेट वैल्यू, राइट है. चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, सो अपना फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहला अभी देखो, अब यहां थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसे सम में, इन सच टाइप ऑफ सम्स
लिटिल बिट चेंज होगा, लिटिल बिट चेंज विल बी देयर, राइट है। सो अब क्या होगा बेटा, सबसे पहला नॉर्मल आपको पता है एनएवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करना है, बट थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा, एकदम माइनर सा चेंज। अब क्लोजिंग एनएवी है ना, तो क्या करना पड़ा है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको असेट्स में सबसे पहला जो ओपनिंग एनएवी है, जो ओपनिंग एनएवी, क्लोजिंग निकाल रहे तो ओपनिंग एनएवी तो दिखाना पड़ेगा ना आपको, वो तो आपका प्रॉपर्टी है ही। सो ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स पहले दिखा देना, इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, अच्छे से लिखना इसको, ओपनिंग एनएवी ऑफ, इसलिए ये सब करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आता है तो सब कुछ ना कुछ तो कर देते कांड, बराबर है, हो जाता है फिर। ओपनिंग एनएवी ऑफ व्हाट, ऑल यूनिट्स, ओपनिंग एनएवी ऑफ व्हाट बेटा, ऑल यूनिट्स, राइट है। अब इधर सब जो रहेगा सब अमाउंट में ही आने वाला है, नॉर्मल सी बात है, तो ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स, फिर क्या करना है आपने को, प्लस, ये तो ओपनिंग एनएवी हो गया अपना असेट टाइप, फिर उसमें और जो भी असेट है लाइक एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन हुआ ना, एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, दैट इज ऑल्सो आर असेट, एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो, राइट है, क्लियर। फिर एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो के बाद क्या करना है अपने को, प्लस, हाँ, अब देखो, अब आपने सिक्योरिटी परचेस किया था, म्यूचुअल फंड ने सिक्योरिटी परचेस भी किया है, रिडीम भी किया है, तो उसके पास नेट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ भाई, म्यूचुअल फंड ने परचेस किया मतलब म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ ना बेटा, बराबर है। तो परचेज में देखो, परचेज में, अब परचेज देखो कितना है, परचेज और सेल का डिफरेंस, तो उसको क्या बोलना है आपने को, नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड। अब जितना रिडीम कर दिया है सिक्योरिटी वो तो गया ना, बाकी जो है वो तो उसके पास असेट है ही ना बेटा, यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो तो उसका असेट है ही। तो देखो उसमें क्या बोल रहा है आपको, नेट प्रोसीड में क्या लिखना है वो दिखा दो इधर ब्रैकेट में, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, कि डिफरेंस ऑफ परचेज एंड सेल्स, डिफरेंस ऑफ परचेज एंड सेल, ओके, डिफरेंस ऑफ व्हाट बेटा, परचेज एंड सेल, सो दैट इज व्हाट नेट प्रोसीड, देन नेट प्रोसीड आ गया अपना, फिर प्लस क्या करना है आपने को, डिविडेंड था अपना, डिविडेंड रिसीवेबल, ऐसा पूरा दिखाने का बेटा प्रॉपरली एकदम, डिविडेंड रिसीवेबल हो गया, देन माइनस लाइबिलिटीज में क्या आपके पास, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस accrued, got it बेटा, so minus what we have to deduct, expenses accrued, समझा बच्चा आप लोग को, so ये main चीज है, ऐसे properly आप लोगों को दिखाना है, ऐसे properly आप लोग इस formula को show करोगे, समझे, clear है, समझ गए आप लोग, चलो, तो expenses accrued भी minus हो गया, फिर divide by what, divided by, अब बेटा divide by what, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, अब लेकिन ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स यहाँ क्या कन्वर्ट हुआ है अपना, क्लोजिंग यूनिट्स, जो क्लोजिंग है, बराबर दिख रहा है ना, ये क्लोजिंग यूनिट्स, दिस वन, सो डिवाइड बाई क्या लिख देने का, डायरेक्टली क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, ओके, क्लोजिंग यूनिट्स, गॉट इट, क्लियर। तो ये ऐसे आपको प्रॉपरली फॉर्मूला बनाना है, और ये फॉर्मूला याद रखना, बराबर है, ऐसे टाइप का सम कैसे करना वो याद रखो, तो नॉर्मल एनएवी करते जाते हो या ऐसा आ जाएगा तो फिर गया, फिर आधे लोगों को क्लिक ही नहीं होता करना क्या इसमें, ठीक है, तो याद रखना ऐसे ही करना है, ठीक है।
चला। अब जब आपका फॉर्मूला पूरा मेंटेन हो गया, फॉर्मूला आपने रिटर्न डाउन बोलते ना इधर राइट डाउन कर दिया, तो आप करना क्या है, कुछ तो नहीं करना, वैल्यू पुट करो और निकाल लो आंसर। ठीक है चलो, अब वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालते हैं। सबसे पहले आ जाओ, ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स कैसे निकालोगे? देखो ओपनिंग एनएवी आपके पास कितना था, इधर देखो ये आपका ओपनिंग एनएवी है, दिख रहा है कितना है, ध्यान देना ओपनिंग एनएवी। देखो ओपनिंग एनएवी है 12.5 और ओपनिंग यूनिट्स कितना था म्यूचुअल फंड के पास, 40,500। तो अब वहां तो अमाउंट भी लेना है, देयर वी हैव टू टेक एन अमाउंट, सो 40,500 इनटू 12 करना पड़ेगा, 12.5। तो ये करोगे तो आपको वहां का अमाउंट मिल जाएगा, असेट का अमाउंट। चलो तो उधर दिखाते हम लोग इसको, विल शो देयर। सो ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स में आपका ऐसे दिखा देना, क्या 40,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 12.5, मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ठीक है, प्लस एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो इज व्हाट बेटा, एप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 8,000, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो 8,000 है, देन प्लस व्हाट नेट प्रोसीड। तो बहुत सिंपल है, ऐसा सम आया ना सीधा बोलने का, अरे क्या रे तू सम है तेरे को, मैं फटाफट सॉल्व कर डालेगा, टेंशन नहीं लेने का, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, तो कुछ नहीं टेंशन नहीं लेने का, खाली फटाक से एक लॉजिक समझ जाने का और कुछ नहीं बस, क्योंकि लॉजिक नहीं समझा तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो 8,000 प्लस उसके बाद नेट प्रोसीड में क्या करना है आपने को, नेट प्रोसीड में देखो व्हाट वी हैव टू डू इन नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड मतलब सेल परचेज और सेल का डिफरेंस, तो देखो कैसे मैं दिखा रहा हूं इधर, अभी परचेज और सेल के डिफरेंस में परचेज कितना है अपना, बड़ा अमाउंट है, बड़ा यूनिट्स है अपना परचेज का 2000 यूनिट्स है और सेल अपना 1000 है, तो पॉजिटिव फिगर ही आएगा, परचेज है मतलब इन्वेस्टमेंट है अपने पास, सो 2000 यूनिट्स का परचेज है माइनस 1000 यूनिट्स का सेल है और मल्टीप्लाइड बाय दोनों का जो यूनिट है उसका एनएवी कितना है, वो क्वेश्चन में दिया है ना 20 रुपीज। अभी किधर दिया है वो दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिख रहा है 20 रुपीज ओपनिंग, दिख रहा है इधर, एज्यूमिंग सेल्स एंड परचेज एनएवी कितना है 20 रुपीज, ये वाला this part, ठीक है, assuming sales and purchase NAV is what बेटा 20 rupees, that is, okay, clear है बच्चा? चलो, ये mic mute कर, चलो, तो अभी देखो, directly आ जाओ, ये हो गया अपना sales and purchase का भी मालूम पड़ गया ना, NAV किधर था question में, याद रखो, फिर plus और क्या बेटा, डिविडेंड रिसीवेबल अपने को कितना दिया है ₹500, फिर माइनस एक्सपेंसेस अक्रूड कितना है अपने पास 700, ओके, देन डिवाइडेड बाय क्लोजिंग यूनिट्स यू हैव कैलकुलेटेड हियर, क्लोजिंग यूनिट इज व्हाट बेटा 41,500, ये है ना अपना, दिस इज व्हाट आर क्लोजिंग यूनिट्स 41,500, so 41,500 units, okay, चलो अब इसको properly मैं दिखा देता हूं, ये 40,500 into 12.5 किया था तो कितना आ गया था आपका 5 lakh, okay 5,06,250, very good बेटा, इसको पूरा simplify कर देता हूं पहले, plus 8,000 तो अपना appreciation है, प्लस ये 2000 माइनस 1000
तो 1000 इंटू 20 20,000 राइट है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, प्लस 500 है और माइनस 700, प्लस 500 और माइनस 700 डिवाइडेड बाय 41,500 यूनिट्स, ठीक है, डिवाइड बाय 41,500 यूनिट्स। चलो अब तो कर सकते हो, सबका पूरा कैलकुलेशन करो, 5,06,250 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 500, उसमें से 700 माइनस कर दो तो कितना आंसर आ रहा है, मतलब इसका टॉप पे 5,34,050, वेरी गुड बेटा, वेल डन एवरीवन। सो 5 लाख, क्रॉस चेक कर रहे ना सब लोग, 5,34,050, ओके, डिवाइडेड बाय 41,500 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 41,500 यूनिट्स, समझा मेरे प्यारे बच्चों। फिर कर लो अभी इसको, कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, यस करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, 12.87, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है 12.87। सो दिस इज क्लोजिंग व्हाट एनएवी, ये आपका आ गया बेटा क्लोजिंग एनएवी आंसर। क्लोजिंग एनएवी अब यही कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा 15। तो एकदम ध्यान से कैलकुलेट करना, कुछ भी एरर मत करना, याद रखो, मालूम पड़ा, क्योंकि ऐसे सब में स्टूडेंट्स एरर करते ही हैं, यहाँ आके गलती कर देते, ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट ये सब इसी में मिस्टेक करते हैं, तो वो मत करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर है सबका, को डाउट, ओके, चलो फिर हो गया ना, आ जाओ फिर, जो एक प्रैक्टिस में सम दिया मैंने, तो ये प्रैक्टिस में दिया था मैंने, बट अपने पास टाइम है अभी, कितना मिनट बाकी है, 8 मिनट्स है, तो चलो मेरे साथ जितना होगा उतना कर ही लो, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, और क्या, ठीक है बेटा। ओपनिंग एनएवी हमेशा याद रखो, ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स, अगर ये ओपनिंग एनएवी है ना, तो एनएवी मतलब उसका इन्वेस्टमेंट तो पहले से उतना है ना अपने पास, उतना इन्वेस्टमेंट अपने पास पहले से है, वो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट अपने पास पहले से है, म्यूचुअल फंड के पास उतना इन्वेस्टमेंट पहले से है, इसलिए ओपनिंग आपको शो करना पड़ेगा, तो ओपनिंग एनएवी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया, म्यूचुअल फंड का क्या है वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज व्हाई ओपनिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर जो नया इन्वेस्टमेंट है परचेज वाला, जो दिख रहा है 2000 यूनिट्स माइनस 1000, तो नेट कितना आ रहा है 1000, तो वो एडिशन हो गया ना, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया, इसलिए अपने को प्लस करना है, तो इसलिए ये सब में ध्यान देना, क्योंकि ऐसे सब में बहुत लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इसलिए याद रखना इसका फंडा, याद रखना क्या है, कैसे करना है इसमें, बस ठीक है। चलो अभी देखो क्या दिया इसमें, ये भी जो प्रैक्टिस में दिया है, देखो इधर, कैलकुलेट क्लोजिंग एनएवी एंड क्लोजिंग यूनिट, सेम फंडा यू हैव टू फॉलो एंड नथिंग एल्स, राइट। चलो ओपनिंग एनएवी कितना है, 8.336 ओपनिंग यूनिट, ये आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है, तो ये तो ओपनिंग का डेटा हो गया, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, और आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग, बराबर है, तो क्लोजिंग के लिए ओपनिंग तो अपना बेस बन ही जाएगा, ओपनिंग का इन्वेस्टमेंट, तो ये ओपनिंग हो गया। एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो दिया है 8 लाख, यूनिट सब्सक्राइब मतलब परचेज, यूनिट रिडीम मतलब सेल, फिर भी अपने पास नेट प्रोसीड, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया मतलब 10 हो गया ना, 10 लाख का, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये एक्चुअली रिसीवेबल है तो उसमें टेंशन मत देना, डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है, 1.5 मतलब ये आपका असेट हो गया, राइट। और एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है इसमें, एक्सपेंसेस में देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो माइनस कुछ नहीं होगा। फिर बाद में लास्ट में है एज्यूमिंग सेल्स एंड रीपर्चेज एनएवी आपका 8.336, ये किधर काम आएगा आपको, इधर,
ये है ना अपना यूनिट सब्सक्राइब्ड एंड रिडीम में, फिर बाद में जो नेट प्रोसीड आएगा फिर मल्टीप्लाइड बाय 8.336, समझा? मालूम पड़ा, उधर काम आएगा उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस में दिया था आप लोगों को करने के लिए, अभी टाइम है इसलिए बता दिया मैंने, नहीं तो ये प्रैक्टिस का समझा, ठीक है? चलो, मालूम पड़ा, किसी को डाउट है कुछ जिसमें तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकता है, समझा बेटा? रॉयस्टन क्लियर है, मालूम पड़ गया ना? तो हमेशा याद रखना, अगर क्लोजिंग निकालना है तो ओपनिंग अपना बेस हो जाता है, ओपनिंग क्या हो जाता है बेटा? अपना बेस होना ही है, तो दैट इज व्हाट नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड, क्लियर? हाँ, और किसी को डाउट है कुछ? क्लियर, तो चलो फटाफट कर लो फिर, आ जाओ, जब ये प्रैक्टिस का समय तो इधर ही कर लो फिर, अभी टाइम है आपके पास, 5 मिनट है, ठीक है? यू हैव 5 मिनट्स, तो चलो सॉल्व कर लेते। चलो, तो सेम फंडा, सेम पॉलिसी, सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है? चलो, तो सॉल्यूशन व्हाट, पहले क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बेटा? क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू क्या है? वही फॉर्मूला, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स सब्सक्राइब्ड प्लस यूनिट्स सब्सक्राइब्ड माइनस व्हाट? यूनिट्स रिडीम, यूनिट्स माइनस यूनिट्स रिडीम, सिंपल। क्लोजिंग यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स सब्सक्राइब, सब्सक्राइब माइनस यूनिट्स रिडीम, रिडीम रिडीम गया, कर दो अभी फटाफट। सोचना क्या है, यूनिट्स ओपनिंग यूनिट्स अपने को कितना दिया था क्वेश्चन में, इसमें 50 लाख प्लस यूनिट सब्सक्राइब कितना है अपना? 20 लाख ना, और रिडीम कितना है? 10 लाख। चलो फाइनली आंसर कितना आ गया? 60 लाख। सो दिस 60 लाख इज व्हाट योर यूनिट्स, कौन सा यूनिट हो गया? क्लोजिंग यूनिट। देखो इधर दिया है क्वेश्चन में, देखो सी है, सब कुछ है, दिख रहा है ना? 50 लाख, 50 लाख अपना आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो आउटस्टैंडिंग हो गया मतलब ओपनिंग हो गया, ओपनिंग यूनिट्स, यूनिट सब्सक्राइब 20 लाख, यूनिट्स रिडीम 10 लाख, कर लिया तो अपने को आ गया 60 लाख। 60 लाख इज व्हाट आर, 60 lakh is what our closing units is what, 60 lakhs, nothing, there is nothing, nothing else, ठीक है? तो वो 60 lakhs अपना closing units हो गया, बराबर है? चलो, अच्छा, बाकी लोग फटाफट, ठीक है बेटा, क्लियर? किसी को डाउट इसमें? चलो फिर फटाफट सॉल्व कर लो अभी, अपना वही सेम फॉर्मूला जो अभी पीछे लगाया, पीछे यूज किया आपने लास्ट सम में, वही फॉर्मूला यूज करो और अपना एनएवी कैलकुलेट करो। तो क्लोजिंग एनएवी निकाल लो, क्लोजिंग एनएवी, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है बेटा अपने को, ओपनिंग एनएवी ऑफ जो हमने अभी पीछे देखा, ओपनिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स opening NAV of all units plus what, plus क्या हो जाएगा? appreciation appreciation हो गया, plus क्या करोगे आप? net proceed plus net proceed हो गया, that is difference of purchase and sale, पता ही है, same देखो same जो last sum में किया, difference of परचेज एंड सेल, राइट है? फिर प्लस डिविडेंड,
बराबर है, फिर माइनस एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस तो है ही नहीं अपने पास तो वो छोड़ दो, लीव इट, फिर डिवाइड बाय व्हाट, क्लोजिंग यूनिट्स, बस अभी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, अभी इतना तो कर लोगे ना। चलो ओपनिंग यूनिट्स कितना था अपना, 50 लाख, हाउ मच, 50 लाख यूनिट्स, 50 लाख यूनिट्स है इनटू, इधर यूनिट्स लिख देता हूं मैं, बस 50 लाख यूनिट्स है इनटू रेट कितना था अपना, रुपीज 8.336, ठीक है, प्लस एप्रिसिएशन कितना अपना, रुपीज 8 लाख, राइट है, प्लस नेट प्रोसीड 20 लाख माइनस 10 लाख यूनिट है, हाँ याद रखो, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 8.336,